मेरे साथ एक बस के स्टाफ भी हैं प्रेम जी, जो यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन था 23rd परसों तो बड़ा बुरा हाल था, परसों तो बंद ही रहा यहाँ पे, काफी बंद रहा, बिल्कुल बंद रहा, और ट्रैफिक रहा। अच्छा, अभी भी बंद है ये बस स्टैंड को लेके, तो छोटी गाड़ियों के लिए क्या आज ही खोला गया? आज ही खोला गया छोटी गाड़ियों के लिए, और अगर फिर बारिश होगी तो वापस इसको रोक दिया जाएगा। जी जी सर, तो इससे काफी परेशानी हो रही है लोकल लोगों को। देखो बस का हाल देखो, टेढ़ी मिल रही है, बड़ा बुरा हाल है। और आप लोग की भी काफी इनकम वगैरह कम हो गए होंगे, तेल का पूरा भी नहीं हो रहा है, बाकी तेल का भी पूरा नहीं हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आ रही है इनको और लोकल लोगों को, तो आ ही रही है ट्रेवल करने में इस जगह से अगर शिमला के डिफरेंट पार्ट्स में जाना हो तो। प्रेम जी धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। दोस्तों मैं प्रशांत आज आपको 25 अगस्त को शिमला का ताज़ा अपडेट देने वाला हूँ। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये शिमला का टॉलेंड एरिया है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। मेरे पीछे आपको बहुत सारे मलबे वगैरह दिख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, तो ये लगभग 200 मीटर का दायरा है ये, और यहाँ पे एक छोर से दूसरे छोर तक देखेंगे तो मलबा और बड़े बड़े देवदार के ट्रीज़ जो गिरे थे 23rd को, और उसके पहले जो बारिश हुई थी लगभग 2-3 दिन पहले, उस दिन भी काफ़ी हुई थी, और उसके 8-10 दिन पहले जो रेन हुई थी 12 से 14 अगस्त वाले, उस दिन भी काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था इस जगह पे। तो ये मोस्ट अफेक्टेड पार्ट है, तो ये वो रास्ता है जहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ से जाते हैं, जैसे कि हिमलैंड नगर जाना हो तो इसी रोड से जाएंगे, अगर आपने ओल्ड बस स्टैंड जाना हो तो यहीं से जाएंगे, अगर आपने खलीनी जाना हो तो यहीं से जाएंगे, और यहीं पर इतना बड़ा लैंडस्लाइड होने का मतलब ये है रोड का ब्लॉक होना और शिमला का थम जाना। तो लगभग अगर बोले तो ये 12-13 दिन से तो शिमला थमा हुआ है इस जगह से। आज आपको थोड़ी सी मूवमेंट दिख रही है छोटी गाड़ियों की, लेकिन बसेस अभी भी लोकल बसेस यहाँ से नहीं जा रही हैं, इस जगह पे ही रोका जा रहा है। मेरे पीछे आपको बहुत सारी बसें दिख रही होंगी जो यहाँ पे अभी खड़ी हैं। तो ये रास्ता आज ही खोला गया है छोटी गाड़ियों के लिए 25 अगस्त को, और 23rd को जब ब्लॉक हुआ था रोड यहाँ पे, तो 24 को उसकी सफाई कर दी गई, और फिर वहाँ पे ये सफाई करने के बाद यहाँ पे आज छोटी गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही रेन होगी वापस से उनको फिर से रोक लिया जाएगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है इस पूरे एरिया में। मैं आपको यहाँ से जो लेके चलने वाला हूँ, थोड़ा सा हम लोग यहाँ का करंट सिचुएशन देखेंगे, व्यू दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ का करंट व्यू क्या है, फिर मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कनलोग। कनलोग यहाँ से नीचे बाईपास रोड पे है जो ISBT की ओर जाता है, यहाँ से खलीनी होके तो हम लोग उस रास्ते से कनलोग जाएंगे। कनलोग में 23rd को काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें राजवीर मोटर्स होंडा का जो वर्कशॉप और शोरूम है उसके सामने काफ़ी बड़ा मलबा और पेड़ वगैरह गिर गए थे, उसके कारण ट्रक और कुछ गाड़ियाँ भी दब गई थी। बड़े मुश्किल से कुछ कर्मचारियों को बचाया गया था वहाँ पे, तो मैं आपको उस जगह भी लेके चलूँगा। और आज मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ ये बता दूँ, शुभ समाचार बोल सकते हैं शिमला के लिए, आज फुल सन्नी डे है और बड़ा अच्छा जो है धूप निकला हुआ है यहाँ पे। तो आगे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसा ही कुछ दिनों तक बना रहे, ताकि मौसम पूरी तरह से खुल जाए और शिमला वापस से फिर एक सुरक्षित जगह बन जाए। अभी आप देख पा रहे होंगे कुछ बसेस जो संजौली से यहाँ पे आई है टॉलेंट, फिर यहीं पे आके रुक जाएंगी और यहीं से वापस मुड़ेंगी संजौली के लिए, और कुछ बसें जो बस स्टैंड से होके आ रही हैं यहाँ से, ये पंथा घाटी वगैरह जाना है वो यहाँ पे रुकी हुई है, और यहीं से नीचे की ओर खलीनी होके चली जाएगी। और ये वाला जो सामने का आप ये देख रहे हैं बड़ा सा लैंडस्लाइड, ये आया है परसों 23rd को, तो ये ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ था, आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखे होंगे जो हिमलैंड टेंशन वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें, तो उसके बाद का ये सिचुएशन देखिए, और भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे ये ऊपर का हिस्सा नीचे आया है, और काफ़ी मोटे मोटे बड़े बड़े ये सैकड़ों फीट के ये पेड़ होते हैं देवदार के ट्रीज़, फिर इनको काट करके मलबे को धीरे धीरे हटाया जाता है, और इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है जिस कारण रोड कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वहाँ से उस कॉर्नर से लेके वहाँ उस कॉर्नर तक, वो बस के आगे तक यहाँ पे मलबा ही मलबा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए लोग पैदल चलने को मजबूर हैं, क्योंकि पूरे शिमला में अभी पूरी तरह से ट्रैफिक खुला नहीं है, कहीं कहीं छिटपुट खुला है कुछ बसें कहीं की, एक्चुअली तो मेन जगह है टॉलेंट का ये वाला एरिया, और यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से देखिए जो ये रास्ता है, ये वाला रास्ता जाएगी खलीनी की ओर ये रास्ता, और वो संजौली से उधर से आती है, और ये रास्ता जाती है कि हिमलैंड की ओर ओल्ड बस स्टैंड की ओर। तो इधर से कनलोग की ओर चलते हैं, तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, और यहाँ से वहीं नीचे वाली रोड पे हमें जाना है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है हमें कवर करना है। तो मैं इसको पैदल ही वॉक करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज अपनी
कार पार्किंग से निकाली नहीं है, तो बस से ही आया मैं और यहीं पर उतर के फिर मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ का करंट सिचुएशन दिखाया और फिर यहाँ से मैं चलता हूँ अब कनलोक की ओर आपको लेके। अभी जस्ट आगे यहाँ से 50 मीटर्स 100 मीटर्स अहेड हमें खलीनी चौक मिलने वाला है, तो वहाँ से हम राइट साइड मुड़ जाएंगे। ये आ गया खलीनी चौक, यहाँ से हमें ये वाला रास्ता राइट साइड का रास्ता पकड़ के हमें नीचे की ओर जाना है। और यहाँ जस्ट अगले मोड़ पे अगर आप देखें तो मैं आपको नज़दीक लेके चलता हूँ अभी, लेकिन यहाँ से मुझे दिख रहा है लगभग 50 मीटर तक मलबा फैला हुआ है और साथ में एक मिनी जेसीबी भी लगा हुआ है इस मलबा को और साइड करने में, रोड को क्लियर करने में। तो आजकल शिमला में यही काम रह गया है, मेनली साफ़ सफाई करना, और इसे काफ़ी सारी एनर्जी रिवेन्यूज और लॉसेस जो होते हैं वो तो हैं ही, उस लॉसेस के साथ साथ ये रिवेन्यू भी इन पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है इन सब चीज़ों पे। ये देखिए कैसे ये मशीन और साफ सफाई में लगा हुआ, और ये मलबा तो आप देख ही रहे हैं इस रोड के साथ साथ, यहाँ भी ये पेड़ वगैरह कुछ गिरे थे, काफ़ी सारा मलबा रोड पे आया था 23 को परसों। तो आज 25 तारीख को भी ये रोड थोड़ा सा क्लियर तो हुआ है, लेकिन काफ़ी मलबा अभी भी रोड पे है, तो 2 दिन बाद ये ताज़ा हालात है यहाँ के। तो इस रोड से अगर हम आई की ओर जाएंगे तो ये ISBT की ओर लेके जाता है कनलो की ओर, लाल पानी कृष्णानगर वाला ये रास्ता है, और ये वाला जो रास्ता है ये हमें लेके जाता है BCS पंथाघाटी वगैरह। तो आइए मैं इस रास्ते से आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए इन रास्तों के साइड में बड़े बड़े गड्ढे वगैरह बने हुए, यहाँ भी काफ़ी सारा मलबा पेड़ वगैरह टूट के नीचे गिरे हैं। और ऊपर वाला वही एरिया है जहाँ पे अभी मैं आपको टॉलेंट का करंट व्यू दिखा रहा था जस्ट इसके ऊपर, तो वहाँ से नीचे का सीन है। देखिए कितने सारे पेड़ वगैरह टूट के गिरे हैं, लेकिन ये 12 to 14 अगस्त वाला जो बारिश था ये उसका लैंडस्लाइड है। ये मेन बाईपास रोड की हालत देखिए, ये 23 ये परसों का गिरा हुआ पेड़ है, यहाँ पे रास्ते ब्लॉक थे इनको भी खोल दिया गया है। तो एक सिंगल रास्ता और इतनी जगह ब्लॉकेज हुआ है कि मत पूछिए, लेकिन लगातार मेहनत करके गवर्नमेंट ने इसको खुलवा दिया है। काफ़ी सारे यहाँ पे NDRF SDRF स्टेट डिजास्टर वाले भी लगी रही हैं टीम, यहाँ पे पुलिस वगैरह भी लगी रही हैं, लोकल लोगों ने भी काफ़ी मदद की है इस जगह पे इन रास्तों को खोलने में। कुछ डेंजरस जो पेड़ वगैरह हैं उनको काट के हटाया जा रहा है ऐसी जगहों से। इन पेड़ों को काट के हटाया जा रहा है और देखिए रस्सी से बांध के खींचा जा रहा है ताकि ये इन घरों को नुकसान ना पहुंचा सके। देखिए नेक्स्ट रेन में बारिश में ये गिर जाता और फिर सड़कों पे और घरों को नुकसान हो सकता था, ये सब प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड़ों के गिरने से तार वगैरह भी सारे टूट गए हैं, केबल इंटरनेट और बिजली के तार वगैरह, कितने मोटे मोटे तार वगैरह टूटे हुए हैं। तो रिपेयरिंग में टाइम भी लगना है और काफ़ी पैसा लगना है, गवर्नमेंट के और पब्लिक के भी लगने ही हैं ऑफकोर्स। जगह देखेंगे आप इन मेन रास्तों पर तो ये देखिए क्या हालत हो गई है इन जगहों की। तो ऐसे ऐसे तो दृश्य सामने आ रहा है इस बार के रेनी सीजन में जो आज तक शिमला में कभी नहीं हुआ, और ये परसों वाले रेन में हुआ है 23 वाले में। सिचुएशन देखें तो देखिए सारा रास्ता ये वन वे बना हुआ है, ये एक ओर की ट्रैफिक पास हो रही है, दूसरे ओर की ट्रैफिक को रोका गया है यहाँ पे। ये स्थिति बनी हुई है पूरे शिमला की, और ये मेन रोड की हालत देखिए, ये रास्ता जो नीचे की ओर जा रहा था देखिए इसकी क्या हालत हो गई है, और ये रास्ता तो कभी भी नीचे जा सकता है। जैसे भी लगातार काम करता हुआ थोड़ा सा बेचारा भी रेस्ट कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये लगभग हर जगह ही ऐसे ये तबाही का मंजर है पूरे शिमला में। ये करंट व्यू देखिए आप, अभी 25 अगस्त को आज के दिन भी ये इस रास्ते को क्लियर नहीं किया जा चुका है, और इससे सारी मेन बसें जो दूसरे स्टेट्स में दूसरे सिटीज़ में जाते हैं
उनके जाने के लिए ये रास्ता है, ISBT शिमला जाने का मेन रास्ता टोलेंड से। और कितने ये बड़े बड़े मोटे मोटे ये पेड़ हैं, सैकड़ों फीट इनकी हाइट होती है, 150 से लगभग 100 से 150 मीटर की इनकी हाइट होती है इन पेड़ों की। और ये दुर्दशा है इस पूरे रोड की, मेन रोड की। तो इस जगह की ये तबाही देखिए, खलीनी और कलरों के बीच का जगह है ये, और नीचे तो लगता है जैसे कि 40-50 पेड़ गिरे हुए हैं। ये देखिए इन जंगलों में कितने ही पेड़ धराशायी हुए हैं, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। ये शिमला वासी और दूसरे लोगों ने भी शिमला में ऐसा जो इस बार ये तबाही का मंजर आया है, ये आफत आई है, आफत बोल सकते हैं इसको। ये जो आफत है इस मोड़ पे लगभग मुझे लग रहा है 300 मीटर पूरा उस कोने से लेके अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके देखते जाइए ये कहाँ तक, बिल्कुल कनलॉग जहाँ से वो रास्ता जाता है कनलॉग का, वहाँ तक ये सेम मंजर है। कितने सारे पेड़ जो हैं यहाँ पे गिरे हैं, मुझे तो लगता है अगर देखें तो टोटल यहाँ पे लगभग 50 से 60 पेड़ होंगे जो गिरे हैं इस 300 मीटर के दायरे में। तो इतनी बड़ी क्षति हुई है, बस गनीमत है कि 3-4 गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचा है और जानी माल नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है इन हादसों में, लेकिन क्षति तो काफ़ी बड़ी है। ये हम लोग आ गए हैं अब कनलोग, सामने शिमला कनलोग का वर्षा शालिका है, यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे हमें मिलेगा होंडा का शोरूम। ये रास्ता बेमलोई से आता है नीचे की ओर कनलोग को, और इसी रास्ते पे वहाँ पे सामने ऊपर की ओर ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ है जो नीचे की ओर आया था, और ये पूरा रोड ब्लॉक तो हुआ ही था, ये बड़ी मुश्किल से इसको आज खोला गया है। ये देखिए कैसे मोटे मोटे तने पेड़ों के, कितने मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ हैं जो इस एरिया से गिरा है, ये यहाँ से गिरा है। यहाँ की सड़क तो बची हुई है, लेकिन यहाँ का देखिए, ये ऊपर का जो बेमलोई और कनलोग को जोड़ने वाली जो सड़क है वो तो टूट ही चुका है, देखिए लोग वहाँ ऊपर पैदल चल रहे हैं। तो यहाँ पे लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, ऊपर का रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है। ये बिल्कुल ठीक इसी के नीचे अगर आप देखें तो ये कितना बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। ये देखिए राजवीर मोटर, ये होंडा का शोरूम है, नई नई गाड़ियाँ तो हाँ नीचे बची हुई हैं, लेकिन ज़रा इन गाड़ियों का हाल देखिए, किसी कस्टमर से या एम्प्लॉइज वगैरह के हो सकते हैं ये, वो सब गाड़ियाँ हैं, कैसे ये अभी भी दबा हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखें तो देखिए कितने यहाँ पे भयावह तस्वीर है, ये बिल्कुल होंडा के शोरूम में ये घुस चुकी है। यहाँ पे तो दो गाड़ियाँ तो बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे इनका कचूमर निकल गया हो, बिल्कुल नहीं दब चुका है ये मलबे में। और यहाँ पे रास्ता अभी भी वन वे बना हुआ है, और इनको ये पेड़ों के तने देखिए, उधर ट्रक भी फंसा हुआ है, मैं अभी आपको उस साइड लेके चल के दिखाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पे, ये जब लैंडस्लाइड हुआ ये पेड़ वगैरह नीचे हैं, तो एक काफ़ी बड़ा ट्रक भी इसकी चपेट में आया हुआ है। और ये मेन एंट्रेंस है राजवीर मोटर्स का, ये बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है अभी। ये देखिए होंडा का शोरूम नीचे, इनमें अल्कोहल्स की बॉटल्स वगैरह हैं, बियर की बॉटल्स वगैरह से भरा है ट्रक, कितना भारी रहा होगा। तो इसको यहाँ पे मेन रोड से जब ये लैंडस्लाइड हुआ तो यहाँ से गिरने के बाद इसको पूरे चपेट में लेते हुए यहाँ तक ले आया, और काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे कर्मचारियों को भी निकाला गया क्योंकि मेन रास्ता तो बंद हो चुका था। यहाँ पर अगर दायरा देखेंगे आप लैंडस्लाइड का, तो देखिए ये यहीं से शुरू हो गया था और यहाँ से काफ़ी दूर तक ये होते हुए वहाँ पे ऊपर तक गया है, और जो बेमलोई वाला रास्ता है उसको ये काफ़ी नीचे लगभग 30-40 मीटर नीचे तक लाके उन रास्तों को ये मलबे के साथ आया है, फिर वहाँ ऊपर रुक गया है। इतना बड़ा हादसा हुआ है इस बार, और इतना मोमेंटम था इसमें।
तो ये होंडा का शोरूम तो बच गया, वर्कशॉप वाला हिस्सा काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ये तो सबसे बड़ा लैंडस्लाइड रहा इस बार शिमला का, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये कुछ चार पांच गाड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्रक है, उसके साथ एक गाड़ी भी यहाँ चपेट में आई थी, उसको निकाल दिया गया है। और फिर ये जो दूसरी कारें थी जो मैंने आपको दिखाई थी पहले, वहाँ पे कुछ लॉस हुआ था उनका। दोस्तों, ये था ताज़ा अपडेट 25 अगस्त को शिमला का, जो ये हादसा हुआ, आपदाएँ आई यहाँ पर बारिश के टाइम पर। काफ़ी मूसलाधार बारिश जो हुई थी 23 को, 22 और 23 को, लगभग 48 आवर्स, काफ़ी इंटेंसिटी के साथ बारिश हुई थी इस बार, और उसमें ये काफ़ी नुकसान हुआ है शिमला को। तो काफ़ी दुखद रहा है शिमला का, लगभग पिछला 15 दिन अगर देखें तो, और हिमाचल के लिए लगभग 1.5-2 महीने से यहाँ पे तांडव चल रहा है बारिश का, मनाली कुल्लू वगैरह एरियाज़ में। तो अब क्योंकि धूप खुली हुई है, तो शायद अब ईश्वर भी मान गए हों। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। आप सब सुरक्षित रहें।